नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा, शर्मा एलसीडी टीवी सर्विस रांची से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 38.5 इंच का पांडा का पैनल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम मिला। सबसे पहले तो ये कॉफ सोर्स कॉफ जला हुआ था जिससे हमने चेंज किया, साथ में स्केलर भी जला हुआ था, ये भी स्केलर चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पे साइड कॉफ पहला वाला है वो भी जला हुआ था जिसे चेंज किया गया। उसके बाद भी इसमें वोल्टेज बैठ जा रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ वीजीएच वीजीएल को काट दिया हमने, और वीजीएच को यहाँ बाईपास कर दिया है, ये देख सकते हैं। मगर उसके बाद भी इसमें वोल्टेज बैठ जा रहा था, तो उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ देखिए कॉफ के ट्रैक को काटा है, बीजीएच के ट्रैक को हमने काट दिया है। और इसके अलावा XON जो होता है वो भी सप्लाई इस पे मिस था जिसके वजह से पिक्चर नहीं बन रहा था, तो XON को हमने डायरेक्ट 3.3 वोल्ट दिया है और पिक्चर परफेक्ट है। उसके अलावा इसमें एक और सिग्नल मिस है, यहाँ जैसा कि देखिए ये STB, ये भी अलग से दिया गया है। और इतना काम करने के बाद ये पैनल पांडा 38.5 का चालू हुआ है दोस्तों। टेकवा नहीं आया कार इसके अलावा चाहिए था का? अब नहीं है सर, होने वाला है।